覚悟してろよ。行くぜ。 तो आज हम मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स की 20 पॉपुलर एंड पावरफुल मैजिक यूजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स की 20 पावरफुल मैजिक यूजर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैसे कैसे अगर आप चाहे तो मैं मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स की और 20 मैजिक यूजर्स को लेकर पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब आप ओडिन फोर्स को यूज करो या फिर ओमेगा बीम्स, बस सब्सक्राइब बटन पर हिट जरूर कर देना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 20 सिल्वी लस्टन एके द सेकंड एन्चेंट्रेस। तो सिल्वी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन थी जो कि ब्रॉक्सटन में रहती थी, बट एक दिन अचानक उसे काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स मिलती है। इसके बाद वो अपनी अपीयरेंसेस को एन्चेंट्रेस की तरह बनाती है। वो अपनी मैजिक को यूज करके एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिकल शील्ड बना सकती है, माइंड मैनिपुलेशन कर सकती है, ह्यूमंस को एनिमल में कन्वर्ट कर सकती है। इसके अलावा वो टेलीपोर्ट हो सकती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिकल स्पेल को कास्ट भी कर सकती है। बट सिल्वी यानी सेकंड एन्चेंट्रेस या कहे फेक एन्चेंट्रेस को ओरिजिनल इंचेंट्रेस ने आके बैनिश कर दिया था और इसके बाद सिल्वी को किसी ने भी नहीं देखा। नंबर 19 मैजिक इलियाना रेस्पुटिन आल्सो नोन एज मैजिक एक पावरफुल म्यूटेंट होने के साथ साथ पोजेस करती है वेस्ट अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर्स को। इसके अलावा वो एक डार्क चाइल्ड है जो कि लिम्बो नाम की एक जगह को रूल करती है। बात करें उसकी मैजिकल पावर्स के बारे में तो वो अपनी मैजिक से जायंट डीमंस को समान कर सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिकल शील्ड बना सकती है। वो ग्रुप ऑफ आर्मी को अपनी एक मैजिकल ब्लास्ट से दूर फेंक चुकी है, ग्रुप ऑफ पीपल को टेलीपोर्ट कर चुकी है। इसके अलावा उसके पास एक मैजिकल स्वॉर्ड है जिसे सोल स्वॉर्ड कहा जाता है और ये स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे यूज करके वो पावरफुल मैजिकल एन्चेंटमेंट्स तक को तोड़ सकती है। नंबर 18 गार्थ एके टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट एके गार्थ एक एटलांटियन है जो कि सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ साथ मैजिकल एबिलिटीज को भी पोजेस करता है। अपनी मैजिकल पावर्स यूज करके वो मिस्टिकल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशनल पोर्टल ओपन कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मॉन्स्टर लाइक क्रिएचर्स एंड ह्यूमंस को सील कर सकता है और तो और पावरफुल मैजिकल स्पेल को तोड़ भी सकता है। नंबर 17 डेमोन हेलस्ट्रॉम। तो डेमोन हेलस्ट्रॉम एके सन ऑफ सैटर्न एक डीमन का बेटा तो है, बट एक्चुअली वो एक हाफ डीमन है क्योंकि उसकी मदर विक्टोरिया एक नॉर्मल ह्यूमन थी। अपनी डिमोनिक फिजियोलॉजी की वजह से वो काफी सारे सुपरनेचुरल पावर्स के साथ साथ मैजिकल पावर्स भी पोजेस करता है। वो अपनी मैजिकल पावर्स यूज करके थंडर स्टॉर्म समन कर सकता है, पोर्टल बना के टाइम ट्रेवल कर सकता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेंजर को सेंस कर सकता है और तो और डीमन को कमांड भी कर सकता है। इसके अलावा वो दूसरों को हील करने से लेकर और भी कई सारे मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। नंबर 16 डॉक्टर वोडो जेरिको ड्रम एके डॉक्टर वोडो एक पावरफुल मैजिक यूजर है जो कि टेम्पोरली सॉर्सरर सुप्रीम भी रह चुका है मार्वल यूनिवर्स का। डॉक्टर वोडो नेक्रोमेंसी जैसे पावरफुल मैजिक को परफॉर्म कर सकता है। वो अपनी मैजिकल स्पेल को यूज करके फोर्स फील्ड जेनरेट कर सकता है, डार्क मैजिक को यूज कर सकता है, अपनी ट्रांसपोर्टेशन स्पेल को यूज करके वो लाइट डायमेंशन में जा चुका है। इसके अलावा उसने एक बार डोरमामो को टेम्पोरली ट्रैप भी किया था। नंबर 15 अमोरा एके द एन्चेंट्रेस। तो अमोरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन सॉर्सरर्स में से एक है। बेसिकली अमोरा फेमस है अपनी ब्यूटीनेस एंड कनिंग नेचर की वजह से। अमोरा पोजेस करती है वेस्ट अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज को। अपनी मैजिकल पावर्स की यूज करके वो एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है, मैजिकल शील्ड एंड फोर्स फील्ड जेनरेट कर सकती है, माइंड मैनिपुलेशन एंड टेलीपैथिक अटैक्स कर सकती है, पॉसिबल थ्रेट एंड मैजिक को सेंस कर सकती है। इसके अलावा उसने द थिंग को नॉकआउट किया था, थॉर को मैजिकल ब्लास्ट से नॉकबैक किया था और तो और अमोरा हेला को भी टेम्पोरली नॉकआउट कर चुकी है। नंबर 14 एन्चेंट्रेस। तो जून मून एके एन्चेंट्रेस डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक है। एन्चेंट्रेस पोजेस करती है कई सारे मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज को। बात करें उसकी मैजिकल पावर के बारे में तो उसने अपनी मैजिकल पावर से हील होन्स को डिफीट किया था, डॉटर ऑफ वॉललॉक को ओवरपावर किया था, सर्विरस जो कि एक पावरफुल मॉन्स्टर है उसे डिफीट किया था, डीमंस को ओवरपावर किया था एंड पंपकिन मॉन्स्टर की सर को ही उड़ा दिया था। इसके अलावा एन्चेंट्रेस टेलीकिनेसिस एंड डायमेंशनल ट्रेवल से लेकर पोजेस करती है और भी कई सारे मैजिकल पावरफुल एबिलिटीज को। नंबर 13 वंडर वुमन। तो वंडर वुमन को नहीं जानते ऐसे फैंस बहुत कम ही हैं। बेसिकली वंडर वुमन अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज लाइक स्ट्रेंथ एजिलिटी स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा फेमस है, बट इन सब के अलावा भी वंडर वुमन वेस्ट अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर्स को कैरी करती है। वो अपनी मैजिकल पावर से प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है, डायमेंशनल पोर्टल ओपन कर सकती है, मैजिकल फोर्स फील्ड जेनरेट कर सकती है, खुद के साथ साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा कॉमिक्स में वंडर वुमन सोल मैनिपुलेशन, मिस्टिकल एनर्जी मैनिपुलेशन, स्पेल कास्टिंग, नेक्रोमेंसी, मैजिकल एनर्जी प्रोजेक्शन से लेकर रियलिटी तक को वार्प कर चुकी है। नंबर 12 विलियम विली कापलन एके
वीकेंड। तो वीकेंड मार्वल यूनिवर्स की वन ऑफ द पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक है और वो यंग अवेंजर्स या कहे न्यू अवेंजर्स का मेंबर भी है। वीकेंड की ओरिजिन अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर्स स्कारलेट विच का बेटा है। और तो और लोकी ने वीकेंड को ट्रेंड भी किया था। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज ने वीकेंड को कहा था कि उसके अंदर नेक्स्ट सॉर्सरर सुप्रीम बनने की पोटेंशियल है। वीकेंड बेसिकली हैंड मूवमेंट्स एंड स्पेल कास्टिंग के थ्रू मैजिक को यूज करता है। वीकेंड अपनी मैजिक से लाइटनिंग बोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, एनर्जी फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है, दूसरों के साथ साथ अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है, टेलीकिनेटिक पावर्स यूज कर सकता है, दूसरों को हील कर सकता है और एक बार उसने स्कारलेट विच को हील किया था। स्पेल कास्टिंग के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट या फिर लिविंग विंग को लोकेट कर सकता है, अपनी लुक्स एंड अपीयरेंसेस को चेंज कर सकता है और तो और वो स्पेल कास्टिंग के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। नंबर 11, अगाथा हार्कनेस। तो अगाथा हार्कनेस एक एंशिएंट विच है और कॉमिक्स में स्कारलेट विच की मेंटर भी रह चुकी है। बेसिकली वो स्कारलेट विच को विचक्राफ्ट सिखाती थी। अगाथा हार्कनेस सेलेम की ओरिजिनल विचेस में से एक है जो कि पोजेस करती है वाइडर एरे ऑफ मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज को। अपनी मैजिक से वो मैजिकल स्पेल को डिस्पेल कर सकती है, पावरफुल इल्यूजन कास्टिंग कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट या फिर लिविंग बींग्स के ऊपर ट्रांसम्यूटेशन स्पेल कास्टिंग कर सकती है, टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज कर सकती है, अपनी मैजिक से वो थंडर स्टॉर्म जनरेट कर सकती है और उसकी थंडर स्टॉर्म को थॉर तक कंट्रोल नहीं कर पाया था। खुद के साथ साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकती है और वो बैनिशमेंट स्पेल को भी कास्ट कर सकती है। इसके अलावा अगाथा हार्कनेस और भी कई सारे मिस्टिकल आर्ट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकती है। नंबर 10, जॉन कॉन्स्टेंटिन। तो जॉन कॉन्स्टेंटिन को ऑलमोस्ट हर एक डीसी फैंस अच्छे तरीके से जानते हैं। भले ही जॉन कॉन्स्टेंटिन एक पावरफुल मैजिक यूजर हो बट स्टिल वो एक ह्यूमन है। अपनी मिस्टिकल आर्ट्स की यूज करके वो डीसी यूनिवर्स की पावरफुल मैजिक यूजर्स तक को टक्कर दे चुका है और अगर जॉन कॉन्स्टेंटिन को प्रिपरेशन टाइम मिले तो वो अपने से भी कहीं ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को टेक डाउन कर सकता है। जॉन कॉन्स्टेंटिन अपनी मिस्टिकल आर्ट्स की यूज करके मिस्टर ई जो कि एक पावरफुल सॉर्सरर है उसे मार दिया था। उसने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अवतार वर्जन ऑफ डार्क साइड को फेस किया था। अपनी मैजिक से उसने जोरेल को ट्रैप किया था। वो अदर मैजिक यूजर्स के मैजिक को टेम्पोरारीली शट डाउन कर सकता है। इसके अलावा वो एक पावरफुल डीमन को केज में ट्रैप भी कर चुका है। जॉन कॉन्स्टेंटिन मिस्टिकल आर्ट्स की यूज करके और भी कई सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि वो टेलीपोर्ट हो सकता है, पोर्टल क्रिएट कर सकता है एंड टाइम एंड स्पेस को बेंड भी कर सकता है। नंबर 9, लोकी। तो लोकी लॉफिसन द अडॉप्टेड सन ऑफ ओडिन एसगार्ड की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉर्सरर्स में से एक है। बात करें लोकी की मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो उसने लेडी सीव को सिंगल मैजिकल ब्लास्ट से नॉकआउट किया था। उसने अपनी मैजिकल ब्लास्ट से सिल्वर सर्फर को दूर फेंक दिया था, ग्रुप ऑफ फ्रॉस्ट जायंट को मेल्ट कर दिया था, अपनी मैजिकल ब्लास्ट से सर्टर को हर्ट किया था, टेम्पोरारीली थॉर को ट्रैप किया था, अपनी मैजिकल पावर से एक्समैन की एक पूरे टीम को नॉकआउट कर दिया था, अपोक्लिप्स को अपनी सिंगल ब्लास्ट से दूर फेंक दिया था। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकी मैजिकल स्टोन क्रिएट कर सकता है, फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है, अपनी शेप को शिफ्ट कर सकता है, किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है एंड इल्यूजन कास्टिंग भी कर सकता है। नंबर 8, ज़ाटाना। ज़ाटाना को डीसी यूनिवर्स में मिस्ट्रेस ऑफ मैजिक भी कहा गया है। ज़ाटाना को मैजिक यूज करने के लिए स्पेल को उल्टी पढ़नी पड़ती है, लाइक वो अगर अपनी मैजिक से किसी को रोकना चाहती है तो उसे स्टॉप की जगह पॉट्स बोलना पड़ेगा। बात करें ज़ाटाना की मैजिकल पावर्स के बारे में तो अपनी मैजिकल पावर से उसने बैटमैन को ब्लाइंड कर दिया था, कॉन्स्टेंटिन को नॉकआउट कर दिया था, एक जायंट मॉन्स्टर को फ्रीज कर दिया था, हेल्की क्रिएचर को समन किया था, बिना किसी वर्ड्स के लाइटनिंग समन किया था, डेडमैन की माइंड एंड बॉडी को रिस्टोर किया था, इसके अलावा एक्वामैन को चेन से ट्रैप भी किया था। ज़ाटाना और भी कई सारे मैजिकल एबिलिटीज को पोजेस करती है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, मैटर मैनिपुलेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, टाइम मैनिपुलेशन से लेकर और भी कई सारे। नंबर 7, डॉक्टर डूम। विक्टर वॉन डूम एके डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेन में से एक है। अपने ज्यादातर बैटल में डॉक्टर डूम सुपर स्ट्रेंथ, फिजिकल कैपेबिलिटीज, गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स को ज्यादा यूज करता है, बट इन सब के अलावा वो एक पावरफुल मैजिक यूजर भी है। बात करें डॉक्टर डूम की मैजिकल पावर्स के बारे में तो वो मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉर्सरर्स में से एक है। उसने अपनी मैजिकल स्पेल से लीजियन ऑफ मॉन्स्टर को समन किया था। अपनी मैजिक से वो मैजिकल शील्ड बना सकता है, वो मैजिकल स्पेल कास्ट कर सकता है टेलीपैथिक अटैक से बचने के लिए। उसने एक और पावरफुल मैजिक यूजर वीकेंड को डिफीट किया था। उसने घोस्ट राइडर की पिन एंड स्टेयर को अंडन किया था। वो मैजिकल पावर्स यूज करके अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है, अपनी मैजिक से किसी की वुंड्स को हील कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम स्पेल कास्ट करके एक डीमन को बैनिश भी कर चुका है। नंबर 6, रिचर्ड एके डॉक्टर वोकल। तो रिचर्ड जब बच्चा था तब उसके साथ एक और लड़की रोज को किडनैप किया गया था एक सैटानिक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए, बट उस रिचुअल के दौरान सैटन कॉथ ने रिचुअल परफॉर्म करने वालों को जान से मार दिया था। लेकिन सैटन नाम की एक पावरफुल मैजिकल बींग रिचर्ड यानी डॉक्टर वोकल के साथ साथ एक और बच्ची रोज को बचाता है और उन दोनों को ट्रेन करके पावरफुल मैजिक यूजर्स भी बनाता है। बाद में जब रिचर्ड एंड रोज मर्ज हो जाते हैं, यानी दोनों की सोल एक ही बॉडी में थी, डॉक्टर वोकल होस्ट को देख सकता है, मैजिकल फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता
सकता है, माइंड मैनिपुलेशन कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिकल स्पेल के साथ साथ सोल समनिंग, टेलीपोर्टेशन एंड मिस्टिकल एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। कॉमिक्स में डॉक्टर ओकल्ट स्पेक्टर की एनर्जी ब्लास्ट को ब्लॉक कर चुका है, डॉक्टर फेट को मैजिक्स में टक्कर दे चुका है, और तो और एक बार डॉक्टर ओकल्ट को जटाना से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया था। नंबर 5 गॉडेस ऑफ डेथ हेला। तो कॉमिक्स में हेला ओडिन की नहीं बल्कि लोकी की बेटी है। एस्गार्डियन गॉडेस होने की वजह से वो पोजेस करती है वेस्ट अमाउंट ऑफ फिजिकल एंड मिस्टिकल पावर्स को। हेला लिटरली एक अनस्टॉपेबल बीस्ट लाइक बींग में से एक है। कॉमिक्स में वो एक ह्यूज आर्मी जिन्हें आर्मी ऑफ डेथ कहा जाता है उन्हें कमांड करती है। उसने अपनी मैजिकल ब्लास्ट से म्योनिर को दूर फेंक दिया था। अपनी मिस्टिकल पावर से उसने लोकी को प्रोटेक्ट किया था। कर्स जो कि थॉर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो हेला के सामने टिक नहीं पाया था। हेला बाइंडिंग स्पेल को इजीली तोड़ सकती है। कॉमिक्स में उसने लेडी सीव की बाइंडिंग स्पेल को इजीली अनडन किया था। इसके अलावा हेला डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल स्पेल को मल्टीपल टाइम्स डिफ्लेक्ट भी कर चुकी है। वो एस्गार्डियन की एज को मैनिपुलेट कर सकती है। एक बार तो उसने थॉर की एज को इतना ज्यादा इंक्रीज किया था कि थॉर मन नहीं वाला था। और तो और हेला सोल को भी मैनिपुलेट कर सकती है। हेला डेट को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकती है, और इसी वजह से एक बार उसने फ्रैंक यानी कॉस्मिक घोस्ट राइडर को इजीली पिन डाउन भी किया था। नंबर 4 सर्सी। तो सर्सी एक्चुअली कॉल्चिस की प्रिंसेस है एंड कॉमिक्स में वंडर वुमन की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेन भी। सर्सी के पास वेस्ट अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर्स होने के साथ साथ सुपर ह्यूमन लाइक फिजिक्स भी है। वो एक एंशिएंट पावरफुल सोर्सरेस है डीसी यूनिवर्स का। बात करें सर्सी की मैजिकल पावर्स के बारे में, तो उसने अपनी मैजिकल पावर से वंडर वुमन को नॉकआउट कर दिया था। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रोटेक्शन स्पेल कास्टिंग कर सकती है। वो अपनी मैजिकल पावर से आई बीम्स एंड एनर्जी बोल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड इलेजन कास्टिंग कर सकती है। इसके अलावा सर्सी टाइम एंड स्पेस में होल भी कर चुकी है। अब सर्सी कई सारे पावरफुल मैजिकल एबिलिटीज को पोजेस करती है, लाइक वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकती है एंड मैटर एनर्जी एंड सोल मैनिपुलेशन भी कर सकती है। इसके अलावा भी सर्सी और भी कई सारे स्पेशल पावर एंड मैजिकल एबिलिटीज को पोजेस करती है, बट उनके बारे में किसी और वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। नंबर 3 स्कारलेट विच। वांडा मैक्सिमा ऑफ एके स्कारलेट विच नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्सरेस है मार्वल यूनिवर्स का। वांडा यूज करती है केओस मैजिक को, जो कि वन ऑफ द पावरफुल मैजिक में से एक है। बात करें वांडा की मैजिकल पावर्स के बारे में, तो उसने एक मीटियोर को कैंग के ऊपर फेंका था, एक एडमेंटियम से बनी रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था, ग्रुप ऑफ ड्रेडनॉट्स को टियर अपार्ट किया था, उसने अवेंजर्स एंड सिविलियंस को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड को कास्ट किया था। इसके अलावा लोकी की बैनिशमेंट स्पेल को रिवर्स भी किया था वांडा ने। अब वांडा को इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए कही जाती है क्योंकि उसने एक बार 90% ऑफ म्यूटेंट्स को पावरलेस कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, उसकी स्पेल की वजह से अनगिनत लिविंग बींग्स मारे भी जा चुके हैं। नंबर 2 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो स्टीफन स्ट्रेंज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर स्ट्रेंज सोर्सरर सुप्रीम है मार्वल अर्थ 616 का। डॉक्टर स्ट्रेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक्स एंड मिस्टिकल आर्ट्स की यूज करता है, और उसे मैजिक्स के बारे में काफी अच्छा नॉलेज भी है। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल पावर्स के बारे में, तो वो दीवार के आर पार देख सकता है, इनविजिबल डायमेंशनल पोर्टल ओपन कर सकता है, अपनी मैजिक से फायर क्रिएट कर सकता है, मिस्टिकल टॉर्नेडो जेनरेट कर सकता है, अंडर वाटर में भी मैजिक्स की थ्रू ब्रीथिंग कर सकता है। उसने घोस्ट राइडर को अपनी मैजिकल ब्लास्ट से दूर फेंक दिया था। अपनी मैजिकल ब्लास्ट से मैंटिस एंड ब्लैक पैंथर को डिफीट किया था। मैजिकल स्पेल की यूज करके उसने डोरमामू की अटैक्स को काउंटर किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंशिएंट वन को रिस्ट्रेन किया था, हल्क की हैंड को मोशनलेस कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरों को एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिकल शील्ड भी जेनरेट कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज ने यह भी कहा था कि वो वांडा की नो मोर म्यूटेंट स्पेल को तोड़ सकता था, बट ऐसा करने से रियलिटी को बहुत ज्यादा खतरा था। नंबर 1 डॉक्टर फेट। तो केंट नेल्सन एके डॉक्टर फेट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्सरर है डीसी यूनिवर्स का। एक्चुअली डॉक्टर फेट को पावर मिलता है नाबू से, और नाबू एक ऐसा गॉड है जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से डीसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर फेट के पास कई सारे पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कि गोल्डन हेलमेट ऑफ फेट, अम्यूलेट ऑफ अनुबिस एंड एक गोल्डन क्लोक। वे सारे आर्टिफैक्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि डॉक्टर फेट को प्रोवाइड करते हैं अनलिमिटेड मिस्टिकल एनर्जी को। डॉक्टर फेट को डीसी यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल सोर्सरर भी कहा गया है। इसके अलावा डॉक्टर फेट मोस्ट पावरफुल लॉर्ड ऑफ ऑर्डर भी है। मैजिकल एबिलिटीज के साथ डॉक्टर फेट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड अदर एबिलिटीज को भी पोजेस करता है। उसने इविल सुपरमैन को डिफीट किया था। बात करें डॉक्टर फेट की मैजिकल पावर्स के बारे में, तो वो टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, इंटर डायमेंशनल एंड वन यूनिवर्स टू अनदर यूनिवर्स ट्रेवल कर सकता है। उसने प्लैनेट साइज ग्लोब डिस्ट्रॉयर गन को अपनी मैजिक से बनाया था। वो सुपरमैन को मैजिकल अटैक से इम्यून कर सकता है। उसने एक मायन गॉड को डिफीट किया था। उसने स्पेक्टर की बैरियर को तोड़ा था। एक लॉर्ड ऑफ ऑर्डर को उसने ट्रैप किया था। डॉक्टर फेट ने मल्टीवर्स ईटर वाइनर एंड वैंडेमैन को डिफीट किया था। इसके अलावा डॉक्टर फेट एंग्री स्पेक्टर की अगेंस्ट टोटोटो लड़ चुका है, एंड इवन स्पेक्टर ने यह भी कहा था कि डॉक्टर फेट ऑलमोस्ट स्पेक्टर जितना पावरफुल है। इसके अलावा डॉक्टर फेट और भी कई सारे गॉड लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज को पोजेस करता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई नो इस लिस्ट के अंदर आप और भी कई सारे डिजर्विंग मैजिक यूजर्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे। वैसे अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, और इस लिस्ट को लेकर अपना ओपिनियन भी कमेंट करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।